बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में इस वक्त बातचीत चल रही है यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के इन दोनों राजनेताओं के बीच में बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में ये बातचीत चल रही है। यूक्रेन में आगे क्या हो सकता है इसी को लेकर के बातचीत चल रही है कि दोनों देशों की स्ट्रैटेजी साझा तौर पर तैयार हो कि यूक्रेन में आगे आने वाली स्थितियों को कैसे संभाला जाए या क्या क्या संभावित स्थितियां यूक्रेन में इस वक्त पैदा हो सकती हैं और यूक्रेन में जो स्थिति पैदा होंगी उनको किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर हैंडल किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक यही बात है कि डिप्लोमेसी के लेवल पर दोनों देशों के बीच में यूक्रेन और रूस में बातचीत हो और आगे चीजें बेहतर हो। इमैनुअल मैक्रों से बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन से कल इमैनुअल मैक्रों पुतिन की कल लगभग 90 मिनट तक बातचीत हुई थी तो जाहिर तौर पर इमैनुअल मैक्रों के पास एक बेहतर परिदृश्य होगा कि पुतिन आगे क्या करना चाहते हैं, पुतिन का यूक्रेन को लेकर के फिलहाल की स्थिति में विजन क्या है। इसी चीज को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच में बातचीत हुई। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी फिलहाल? फिलहाल सबसे बड़ी बात जानकारी यही कि पीएम मोदी मैक्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये तमाम जो हालात हैं उसमें करीब जो चीजें हैं किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हो रही है और उसमें जो तमाम हालात है क्योंकि देखिए अब जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में जो एक उनके तरफ से प्रस्ताव भी आया है, पुतिन की तरफ से 3 प्रस्ताव आए हुए हैं तो उनको लेकर क्या होना है, किस तरह की बातें रखी जा सकती क्योंकि मैक्रों से ही बात करते हुए पुतिन ने कुछ अपनी बातें रखी थी तो पुतिन से कल उनकी मैक्रों की बात हुई थी और उस दौरान उन्होंने अपनी 3 बातें रखी थी कि इन 3 मसलों को लेकर जो दोनों देशों के बीच शांति हो सकता है और उसमें सबसे बड़ा यही था कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहे, कोई यू और इसके किसी नेटो के साथ ना जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत है और मुझे लगता है ये कदम है जो ये रास्ता निकल सकता है बीच में कि कैसे ये युद्ध के दौर में जो शांति और ये जो सीज फायर की जो बात तमाम चीज हो रही है तो उसमें एक बड़ा कदम हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच जो बातचीत हो रही है। अमित, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि कल पुतिन और इमैनुअल मैक्रों के बीच में 90 मिनट तक बातचीत हुई है तो जाहिर तौर पर इमैनुअल मैक्रों के पास एक बेहतर तस्वीर होगी कि पुतिन का मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर के विजन क्या है, आगे क्या करने वाले हैं। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो जो पिछले 5-6 दिन की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी और सबसे लंबी बातचीत मैक्रों और पुतिन के बीच में हुई है तो 1.5 घंटे की बातचीत में वो तमाम मसले होंगे, तमाम बातें होंगी जो मैक्रों के सामने पुतिन रखी होगी कि उनकी नाराजगी क्या है, किन सब बातों को लेकर वो उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके देश के जो हित है रशिया के हित, रशिया की सुरक्षा को लेकर उनकी जो मन में बात होगी वो उन्होंने रखा होगा मैक्रों के सामने। तो ऐसे में जब मैक्रों बात कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी से तो ये दिखाता है कि जब पुतिन से बात करने के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं क्योंकि मोदी एक ऐसा जरिया है जो कि दोनों देशों के बीच एक पुल का रोल प्ले कर सकते हैं, न सिर्फ यूक्रेन और इसके बल्कि वो जो नाटो जो अमेरिका है, अमेरिका और रशिया के बीच भी एक पुल बन सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तहत पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हो रही है और उसमें तमाम बातें क्योंकि निश्चित तौर पे जो पुतिन के साथ बातचीत हुई होगी उसको भी विस्तार से रखेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो इसे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव के तौर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अमित, क्या ये चीज दर्शाती ये भी है कि जो कल पुतिन और मैक्रों की बात हुई, आज इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई तो भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कोशिशें कर रहा है उनमें भी कुछ तब्दीलियां आने वाले वक्त में हम देखें? हो सकता है क्योंकि भारत ने शुरू से एक बात रखी है कि जो हमला हुआ है वो गलत हुआ लेकिन इस पूरे विवाद को, ये जो पूरा युद्ध चल रहा है उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को जोरदार तरीके से रखा भी था, पुतिन के सामने भी रखा था कि बातचीत के जरिए ये चीजें सुलझ सकती है तो ऐसे में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है भारत और इसीलिए इस जो बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।